तो प्यारे बच्चों, आगे हम देखेंगे एक्सरसाइज 7C.3 के दूसरे के पहले तक हम कर चुके थे बच्चों। तो अब ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स पावर फोर प्लस वन, अभी पिछले हफ्ते हम इसी एक्सरसाइज में थे, कठिन समाकलन के लास्ट से सेकेंड एक्सरसाइज, मतलब 7B.15 का ये टाइप है बच्चों। अगर आपको पता हो कि हमने बोला था ऊपर क्या रहेगा, अगर कभी भी एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस वन रहे और अपान में प्यारे बच्चों क्या रहे, अपान में बाई लीनियर इक्वेशन रहे, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहे, मतलब एक्स पावर फोर प्लस ए एक्स प्लस वन, है ना, एक्स पावर फोर प्लस ए एक्स प्लस वन डी एक्स, इस प्रकार के फंक्शंस मिले बच्चों, तो इनका हमने समाकलन देखा था 7B.15 के शायद तीसरा नंबर क्वेश्चन है, है ना बच्चों। तो इस टाइप में मैंने पूरा एक प्रोसेस बताया है, पूरा एक रोल बताया है कि नंबर एक काम क्या है, नंबर दो काम क्या है, नंबर तीन काम क्या है, ठीक है बच्चों। तो मेरा ऐसा मानना है और आपका भी ऐसा मानना होगा बच्चों कि जिसको समाकलन सही से आ रहा है उसको डेफिनेट इंटीग्रेशन या फिर निश्चित समाकलन कोई एक नया चैप्टर नहीं लग रहा होगा, वो सिर्फ एज अ रिविज़न निश्चित समाकलन सॉल्व कर रहा होगा। इसको समाकलन सही से आ रहा है उसको निश्चित समाकलन में कुछ नहीं करना पड़ रहा है, सिर्फ वो रिविज़न कर रहा है। और जिनको समाकलन सही से नहीं आ रहा बच्चों, उनको निश्चित समाकलन में मशक्कत करनी पड़ रही होगी। तो अगर आपको समाकलन सही से आता है, इंटीग्रेशन सही से आता है, तो फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके लिए सिर्फ रिविज़न की तरह काम करेगा और बहुत मज़ा आने वाला है आपको, क्योंकि आप अपने आप को टेस्ट करोगे कि किस टाइप के फंक्शंस मैं इंटीग्रेट कर लेता हूँ, किस टाइप के नहीं कर पाता, उससे आपको पता चलेगा कि कौन से टाइप समाकलन के मुझे भूल जाते हैं तो मुझे उन पर काम करना है, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहला काम ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, पहला काम बच्चे लोग अगर ध्यान करो तो मैंने बोला था सबसे पहला काम होता है डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से अंश और हर में, है ना, एक्स स्क्वायर से अंश और हर में, एक्स स्क्वायर से अंश और हर में भाग करते हैं, मतलब डिवाइड एक्स स्क्वायर ऑन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। पहला काम ये होता है बच्चों, तो हम बोलेंगे माना आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 प्लस 1 विथ डी एक्स। तो पहला काम, ये पूरा रूल मैंने लिखवाया हुआ है बच्चों क्लास में आपको, एक बार आप, मुझे नहीं लगता आपको नोट्स की आवश्यकता है, रिवीजन की आवश्यकता है, अभी एक हफ्ते पहले ही पढ़ा था, तो आपको सारे रूल पता है कि फर्स्ट होता है एक्स स्क्वायर से भाग करना, सेकंड होता है कन्वर्जन करना, फिर होता है सिंप्लीफिकेशन करना, उसके बाद होता है इंटीग्रेट करना, ठीक है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर से भाग करेंगे अंश और हर में, तो इंटीग्रेशन 1 से 2 ये बन जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और पूरे अपॉन में एक्स पावर 4 प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर, किसके साथ बच्चों, डी एक्स के साथ, ठीक है ना। अब इसके बाद आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, देखो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से भाग क्या होगा बच्चों, चलो करके दिखा दें, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस करके 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, हमने बच्चों क्या किया, स्प्लिट कर दिया, अलग अलग कर दिया, फिर एक्स पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अब प्लस करके बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स, है ना प्यारे बच्चों। अभी क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 बच्चों, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ऊपर आएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे अपॉन आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर से 2x कैंसिल, 2 बचेंगे तो आ जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स, है ना बच्चों। तो पहला काम क्या हुआ, एक्स स्क्वायर से भाग देना बच्चों हमने कर दिया, एक्स स्क्वायर से हमने भाग कर दिया, ये हमारा फर्स्ट काम था। सेकंड काम क्या होता है बच्चों, कन्वर्जन होता है ना, कन्वर्जन करना होता है, CONVERT कन्वर्ट करना होता है, क्या कन्वर्ट करना होता है बच्चों, ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, इसको फार्मूला लगा के कन्वर्ट करते हैं। फार्मूला कौन कौन से होते हैं, दो फार्मूले होते हैं और मैंने बताया था क्या क्या लगाना है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, ये होता है बच्चों लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, एक बार हो सकता है बच्चों एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो बाहर माइनस 2, है ना बच्चों। और एक फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का फार्मूला होता है बच्चों, क्या होता है, क्या होता है, ये होता है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का टू। फार्मूला याद करने का तरीका यह है कि अगर ब्रैकेट के अंदर प्लस है तो बाहर माइनस टू होगा, अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस है तो बाहर प्लस टू होगा। जो नए बच्चे यूट्यूब पर मुझे देख रहे होंगे उन्हें ये फार्मूले समझ में नहीं आ रहे होंगे अगर, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे इससे पहले के वीडियोज़ नहीं डाले हैं, तो बच्चों आप समझ लें, आप भी समझ लें। हम सिंस वी नो दैट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी, है ना बच्चों। तो अगर यहाँ से हम क्या निकालें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालें प्यारे बच्चों, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी, है ना बच्चों। मतलब कहने का ये कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का टू ए बी। और अगर हम बात करें बच्चों a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो ये होता है ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, है ना बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अगर हम अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो ये क्या बनने वाला है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये माइनस 2ab यहाँ आएगा तो प्लस 2ab, मतलब एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। तो कोई नई चीज़ नहीं है बच्चों, यहीं से हमने निकाली हुई है। तो याद करने का फार्मूला हमने बता दिया कि अगर अंदर प्लस हो तो बाहर माइनस, और अगर बाहर अंदर माइनस हो तो बाहर प्लस। अब इससे ये कैसे बना है, आप बोलोगे यहाँ तो 2ab है, यहाँ तो केवल माइनस 2 और प्लस 2 है, तो उसकी भी चर्चा बच्चों हम कर लेते हैं, ठीक है बच्चे लोग। अगर आप देखो, अगर आप बच्चों x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर करो तो क्या होगा बच्चों, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर और प्लस टू इंटू ए मतलब एक्स, बी मतलब वन अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो x से x क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये प्लस टू इधर आया तो माइनस टू इज इक्वल टू, इधर क्या है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू। वही तो हमने किया है बच्चों, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू कर दिया है। उसके बाद एक और फार्मूला हो सकता है इसका, अगर हम x माइनस वन अपॉन एक्स के होल स्क्वायर की बात करें बच्चों, तो ये होगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू ए मतलब एक्स, बी मतलब वन अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल बच्चों, तो x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ये माइनस टू इधर आया तो प्लस टू इज इक्वल टू क्या बनेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये बच्चों कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, और वही चीज़ यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू। तो इस तरीके से फार्मूला निकला था। तो पुराने बच्चे जो ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए हुए हैं उनको तो बिल्कुल पता है, अगर ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को नहीं पता हो, अचानक यूट्यूब पे आज दिख गया हूँ मैं अचानक, तो समझ जाएं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर के दो फार्मूले होते हैं। अब हमें कौन सा यूज करना है ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। याद करने का तरीका ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, अगर अंदर हमने प्लस लिया है तो बाहर माइनस लेंगे, और अगर अंदर माइनस है तो बाहर प्लस लेंगे। लेकिन अब इन दोनों फार्मूलों में से यूज कौन सा करना है, है ना। तो बच्चे लोग इसका आंसर ये है कि इन दोनों में से हम वो यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, अंश को देखते हैं, है ना, सीधा न्यूमरेटर। अगर न्यूमरेटर, अगर अंश प्लस है तो हम लेंगे बच्चों माइनस वाला फार्मूला, ठीक है ना। अगर यहाँ पे क्या है, प्लस है, ऊपर प्लस है, तो हम क्या लेंगे, माइनस वाला फार्मूला लेंगे, और अगर ऊपर माइनस है तो हम प्लस वाला फार्मूला लेते हैं। यहाँ पे क्या है बच्चों, ऊपर ऊपर है प्लस, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके माइनस वाले फार्मूलों में। बच्चों याद हुआ, ऊपर क्या है प्लस, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे इसके माइनस वाले फार्मूले में। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन में है, इसको हम कन्वर्ट करने वाले हैं बच्चों x माइनस वन अपॉन एक्स का
होल स्क्वायर और माइनस का, सॉरी अंदर माइनस है तो बाहर क्या होगा, प्लस का 2, और बाहर क्या होगा, dx होगा। अब बच्चों ऐसा क्यों किया गया है आप सबको अभी समझ में आ जाएगा, ताकि इसको जब अपन t माने तो इसका इंटीग्रेशन यहाँ मौजूद हो, सॉरी इसका अवकलन यहाँ मौजूद हो, तो ये dx के साथ dt बन जाए। ठीक है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं x माइनस वन अपॉन x को t मान लूँगा, है ना बच्चों, फिर t मानने के बाद क्या करते हैं, दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं, तो बच्चों क्या हो जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 1 अपॉन x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है बच्चों, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मिल गया ना हमको अंश। अगर आपको सही समझ में नहीं आ रहा है तो मैं अवकलन विधिवत कर देता हूँ। तो अब इसको t मानते हैं, है ना, जिन बच्चों को पता है उनको पता है कि इसको t मानेंगे, इसका अवकलन dx बराबर dt बन जाएगा। ठीक है बच्चों, हम बोलेंगे x माइनस 1 अपॉन x, है ना, सेकेंड नंबर कन्वर्जन होता है, थर्ड नंबर क्या होता है, है ना, पुट, है ना, सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, है ना, सब्स्टिट्यूशन होता है थर्ड रूल। तो हम बोलेंगे 1 माइनस 1 अपॉन x इज इक्वल टू t रखने पर। ठीक है, अब नियम भी क्या हो सकता है, अपन तो ये सब सॉल्व कर चुके हैं, जो कुछ नए बच्चे डायरेक्ट देख रहे हो यूट्यूब पर उनके लिए थोड़ा सा मैंने रिवाइज करा दिया। तो x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू t रखने पर, पुटिंग x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू t, जब भी t रखते हैं बच्चों तो क्या करते हैं हम, दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो बच्चों अवकलन सबसे आता होगा, डायरेक्ट करते हैं अपन, तो x का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 होता है, माइनस तो माइनस, 1 अपॉन x का अवकलन क्या होगा बच्चों, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। इसको नहीं पता, डायरेक्ट अवकलन देख लो, डी अपॉन डी एक्स वन अपॉन एक्स का अवकलन कैसे करोगे, डी अपॉन डी एक्स, एक्स को ऊपर ले जाओगे माइनस वन होगा, फिर ये एक्स पावर एन हो गया बच्चों, तो क्या करोगे, एन मतलब माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस वन मतलब माइनस वन एक्स पावर माइनस टू, पावर कभी निगेटिव नहीं छोड़ते, तो माइनस वन ऊपर रह जाएगा, नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा, मतलब माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब वन अपॉन एक्स का अवकलन होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। बच्चों मैंने बोला है एक्स है तो डी एक्स लगाएंगे और टी है तो डी टी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर विथ डी एक्स बराबर क्या हो गया बच्चों, डी टी हो गया। तो वो चीज़ मिल गई हमको जो अंश में है। अब एक चीज़ हम और जानते हैं बच्चों, अगर हमने प्रतिस्थापन किया है निश्चित समाकलन में तो हमें क्या चेंज करनी है, लिमिट जरूर चेंज करनी है, ये प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन का जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस, हम बोलेंगे जब x इज इक्वल टू, क्या है बच्चों लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, 1 है, जब x इक्वल टू 1 तो हम बोलेंगे सिंस, हमने बोला है x माइनस वन अपॉन x को हमने t माना है बच्चों, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के स्थान पे 1 माइनस वन अपॉन 1, तो t इज इक्वल टू बच्चों 1 माइनस वन बराबर 0 हो गया। अब हम बोलेंगे बच्चों जब हमने x को क्या मान लिया है, x को 2 मान लिया है, हम बोलेंगे सिंस x माइनस वन अपॉन x इज इक्वल टू t है, तो t इज इक्वल टू अब x के स्थान पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, माइनस वन अपॉन x मतलब 2 हो जाएगा बच्चों, तो t इज इक्वल टू बच्चों 2 में आधा गया तो कितना होगा, डेढ़ को बोलते हैं 3 का आधा मतलब 3/2। तो अब हमें लिमिट्स भी मिल गई हैं, है ना, हमें नई लिमिट्स मिल गई हैं बच्चों, तो अब इस नई लिमिट्स का यूज करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है बच्चे लोग, तो लिमिट क्या मिल गई हमें, अब नई लिमिट मिल गई है 0 से 3/2। अब प्रतिस्थापन करेंगे, ठीक है बच्चे लोग, वीडियो को रोक के आप लोग इसको नोट डाउन जरूर कर लिया करो। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस आई इज इक्वल टू, क्या था अपने पास, लास्ट वाला आई देखते हैं बच्चों, लास्ट वाला आई ये था, चाहो तो उसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया करो, ताकि ये रहे कि इस आई पे वैल्यू पुट करनी है। आई इज इक्वल टू 1 से 2 है बच्चों अपने पास, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन में x माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर है, और प्लस 2 है, और फिर है बच्चों डी एक्स। तो बच्चे लोग अब हमें पता है कि आई इज इक्वल टू, नई लिमिट क्या है, जब x 1 है
तो टी जीरो है, और जब एक्स टू था तो टी क्या था बच्चों, थ्री अपॉन टू था। अब इतने डी एक्स को हम टच नहीं कर सकते बच्चों, मतलब क्योंकि ये क्या बनने वाला है, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी बनने वाला है, तो हम इसे टच नहीं कर सकते। ऊपर कुछ नहीं बचा मतलब वन बचेगा, ये बच्चों इसे हमने क्या माना हुआ है, टी माना हुआ है, तो ये बन गया टी स्क्वायर प्लस टू। क्या बन गया बच्चों, टी स्क्वायर प्लस टू। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, है ना, वीडियो को रोक के आप इसको नोट डाउन कर लिया करो। अब आगे की कहानी तो आपको पता है, बहुत आसान है एक्सरसाइज। तो अब हम बच्चे देखेगा ध्यान से, तो ये वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बनने वाला है। हमारा एक फार्मूला है, इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है बच्चों, वन अपॉन ए और फिर टैन इनवर्स और फिर एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो बच्चों इसमें होता क्या है, एक्स तो स्क्वायर में होता ही है, ए भी स्क्वायर में होता है, तो हम इसे बनाएंगे, अरेंज करेंगे, इंटीग्रेशन जीरो से थ्री अपॉन टू वन अपॉन बच्चों टी स्क्वायर है, अब प्लस टू को हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, रूट टू का स्क्वायर बोल सकते हैं, और ये क्या है प्यारे बच्चों, ये है डी टी। अब ये सेम बन गया, तो अभी हम क्या बोलेंगे, हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस वी नो दैट इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स बराबर क्या होता है, होता है वन अपॉन ए और फिर टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। चूँकि ये निश्चित समाकलन है तो इसमें सी का इस्तेमाल नहीं करना है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो से थ्री अपॉन टू, सॉरी अब तो समाकलन करना है बच्चों, तो ये ब्रैकेट लगेगा, है ना, ये हटेगा, ये ब्रैकेट लगेगा, जीरो से थ्री अपॉन टू, फिर वन अपॉन ए, ए मतलब बच्चों रूट टू, और फिर टैन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स मतलब टी, ए अपॉन अंडर रूट टू। ठीक है बच्चों, लो तो टी अपॉन अंडर रूट टू हो गया। अभी आगे बढ़ेंगे हम, और अब करेंगे बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में आप चाहो तो कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो, चाहो तो एक साथ ही रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जैसी इच्छा। आप चाहो तो कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हो, और अगर आप नहीं चाहते हो, है ना, इफ़ यू आर कंफर्टेबल विदाउट मतलब इसको बाहर निकाले, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो बच्चे लोग, ठीक है अंदर रहने दें, क्या टफ ना हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बस हमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट करनी है। तो बच्चे लोग आई इज इक्वल टू, ये कलर दूसरा आ गया, दिखता कम है ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या होगा बच्चों, वन अपॉन अंडर रूट टू, अपर लिमिट मतलब थ्री अपॉन टू, है ना, तो वन अपॉन टू, फिर टैन इनवर्स, टैन इनवर्स टी के स्थान पे थ्री अपॉन टू करना है, थ्री अपॉन टू, अपॉन में क्या है बच्चों, अंडर रूट टू है, ये हो गया अपर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट मतलब वन अपॉन रूट टू और फिर टैन इनवर्स टी के स्थान पे जीरो अपॉन टू। ठीक है बच्चे लोग, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट का मतलब ये है कि टी के स्थान पे अपर लिमिट रखो, लोअर लिमिट का मतलब ये है कि टी के स्थान पे जीरो रखो। ठीक है बच्चों, तो अब आई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू, ये बच्चों रूट टू अपॉन वन, ये ऊपर जाएगा तो टैन इनवर्स, ऊपर क्या है थ्री अपॉन टू है, ये क्या बन जाएगा बच्चों, रूट टू अपॉन वन है ऊपर गया तो वन अपॉन रूट टू, तो ये बन जाएगा टू रूट टू, माइनस वन अपॉन रूट टू, ये क्या है बच्चों, ये है टैन इनवर्स, जीरो है आंसर। देखें बच्चों इसी प्रकार से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा तो इतनी मेहनत क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, लेकिन बिल्कुल आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, अभी हमें क्या पता है, सिंस वी नो दैट टैन जीरो डिग्री इज इक्वल टू जीरो होता है, तो जीरो डिग्री बराबर टैन इनवर्स जीरो हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता है आई इज इक्वल टू, ये बन जाएगा वन अपॉन रूट टू और फिर टैन इनवर्स थ्री अपॉन टू अंडर रूट टू माइनस वन अपॉन रूट टू इन टू, इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, ख़त्म हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हमें मिल गया आई इज इक्वल टू वन अपॉन रूट टू और फिर है टैन इनवर्स थ्री अपॉन टू अंडर रूट टू, ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से बच्चों मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस एक्सरसाइज में कोई
भी एक ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपसे नहीं आता है। मुझे पूरा भरोसा है आप सबके ऊपर कि आप सबको ये सारे क्वेश्चंस आते होंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड सेम है, थर्ड एज इट इज़ है, ये भी एक्सरसाइज 7B.15 में है क्वेश्चन, आप कर सकते हो। उसके बाद फोर्थ बच्चों पूरे 1 - x² को आप टी मान लोगे, है ना। फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा मैं हिंट कराता जाऊँ बच्चों, अगर हिंट के बाद भी ना बने तो बिल्कुल आप कमेंट करना, मैं बता दूंगा, या फिर क्लास में कमेंट करना, क्लास में बताना, मैं बता दूंगा। जैसे बच्चों जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है इंटीग्रेशन क्या है, x² - 1/x² - 1/x^4+1 dx। कहे पीयूष बन जाएगा ना, सेम क्वेश्चन करा चुके हैं ना पीयूष, बोलो तुम कमेंट तो करो तुम कम से कम कि हाँ सर करा चुके हैं, सेम क्वेश्चन है ना, सेम सेकंड जैसे है, यहाँ माइनस के स्थान पे प्लस के स्थान पे यहाँ माइनस आ गया है, मतलब फार्मूला लॉग वाला लग जाएगा, आप सबको पता। थोड़ा डिफिकल्ट होता है सॉल्व करने में चूँकि लॉग लगता है, लेकिन बस काम क्या बचेगा, काम अंतिम में सिर्फ इतना बचता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के अलावा कुछ भी नहीं बचता। अगर नहीं कर पाओगे तो मैं करा दूंगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इसमें, वो है इंटीग्रेशन क्या है बच्चों, इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इंटीग्रेशन 0 to 1, इंटीग्रेशन 0 to 1 है। उसके बाद x/(√1 - x²), कितना इजी क्वेश्चन है यार, ऊपर x स्क्वायर है, ऊपर x है, अपॉन में x स्क्वायर है। अगर आप 1 - x² को t मान लोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का 2x, x है तो dx करते हैं, t है तो dt करते हैं। तो बच्चों x dx बराबर क्या हो जाएगा, -dt/2 हो जाएगा। मतलब कि ये प्रतिस्थापन के बहुत से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बच्चों, समाकलन में सब कुछ कर चुके हैं हम। मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप सारे क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना चाहिए क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है बच्चों। तो अपन करते हैं इसको फिर, हम बोलेंगे क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकेंड का थर्ड है, ठीक है। सबसे पहला काम क्या बोलेंगे हम, लेट या फिर माना i = x²(-1/x⁴+1), और क्या करेंगे बच्चों, dx लगा देंगे। इसकी लिमिट क्या है बच्चे लोग, इसकी लिमिट है 1 से 2। क्या है लिमिट बच्चों, 1 से 2। सेम क्वेश्चन है, सेम लिमिट है, बस यहाँ प्लस के स्थान पे माइनस आ गया है। तो बच्चे लोग सबसे पहला काम तो हम जानते हैं, x² से भाग देना। तो भाग करते हैं बच्चों, इस बार कुछ डायरेक्ट करूंगा मैं, i = ∫1 से 2, x² से भाग देंगे बच्चों तो x²/x² 1 होगा, 1/ ये बन जाएगा x² पूरे अपॉन में। x⁴ में x² का भाग करेंगे तो x² से x² कटेगा, x² बचेगा और प्लस 1/ बच्चों ये x² हो जाएगा, यहाँ पे लगा देंगे dx, ठीक है बच्चे लोग। अगला काम होता है इसको हर को कन्वर्ट करना, है ना, डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करना, चेंज करना। कन्वर्ट करने के दो फार्मूले मैंने बताया आपको, एक होता है बच्चों x²+1/x² होता है, x+1/x का होल स्क्वायर, अंदर प्लस हो गया तो बाहर -2, और x²+1/x² का दूसरा फार्मूला होता है बच्चों x - 1/x का होल स्क्वायर, अंदर माइनस तो बाहर प्लस हो जाता है, ठीक है बच्चों। तो लेकिन लगाते कौन सा है, ऊपर वाले के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से। अगर ऊपर माइनस है तो प्लस वाला लगाएंगे, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वाला लगाएंगे। तो बच्चों चूंकि ऊपर माइनस है तो हम ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से i = ∫1 से 2, अब 1 - 1/x² पूरे अपॉन में बच्चों इसका लगाएंगे फार्मूला, कौन सा वाला, ऊपर माइनस है तो प्लस वाला। फार्मूला देखो भी मत, फार्मूला याद हो चुका है, ऊपर माइनस है तो प्लस वाला, मतलब x+1/x का होल स्क्वायर, अंदर प्लस है तो बाहर क्या होगा बच्चों, माइनस होगा। चेक कर लो फार्मूला सेम फिट बैठा कि नहीं बैठा, बिल्कुल फिट बैठेगा बच्चों। क्या है ना, आप लोग दिमाग ज़्यादा लगाते हो,
अगर दिमाग ज़्यादा मत लगाओ, दिमाग को सरल और सहज करके गणित पढ़ी जाए तो गणित बिल्कुल कैसा है, गणित बिल्कुल अध्यात्म के जैसा है, गणित बिल्कुल ईश्वर के मिलने के जैसा है, गणित बिल्कुल परमात्मा के मिलने के जैसा है। जिस तरीके से एक साधु व्यक्ति, एक साध्विक व्यक्ति है ना, अध्यात्म के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, उसी तरीके से एक अच्छा गणितज्ञ गणित के माध्यम से उसी मार्ग में चल सकता है जिस मार्ग में एक साधु व्यक्ति अध्यात्म के प्रयोग से चलता है, मतलब ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। तो बस सहज और सरल भाव से आपको मैथ लगानी है। आपको दिमाग में ये बात जरूर होनी चाहिए कि इतनी भी कठिन मैथमेटिक्स नहीं होगी कि मुझे समझ में ना आए, क्योंकि मेरे पास भी इंसानी दिमाग है और इन सभी चीज़ों की रचना किसी इंसानी दिमाग ने ही करी है। अंतर आप में और उस इंसानी दिमाग में सिर्फ इतना है कि उस इंसानी दिमाग ने कठिन परिश्रम किया है, बहुत मेहनत करी है, बहुत अभ्यास किया है, लगातार पढ़ाई करी है, और आप जो है कठिन परिश्रम, कठिन अभ्यास, कठिन मेहनत से कोसों दूर भागने का प्रयास करते हो। आपको वो क्षण भर के मज़े चाहिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, क्रिकेट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए, और जिस इंसानी दिमाग ने इसकी रचना करी है उस इंसानी दिमाग ने वास्तव में बहुत मेहनत करी है और गणित के माध्यम से उसने ईश्वर की प्राप्ति करी है, तभी तो अमर हैं, है ना। आप किसी भी गणितज्ञ का नाम लो, वो भले इस दुनिया से चले गए लेकिन आज भी हम उनको याद करते हैं, हम ईश्वर को भी याद करते हैं। क्या ईश्वर हमें दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। ऐसे ही हम इन साइंटिस्टों को भी याद करते हैं, क्या हमें दिखते हैं? नहीं दिखते। तो अब साइंटिस्ट और ईश्वर में क्या अंतर रह गया? कुछ अंतर नहीं बच्चों, सेम हो गया ना। इसलिए हल्के दिमाग से, सरल दिमाग से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करो, बहुत मज़ा आने वाला है। अब उसके बाद नंबर सेकंड ये हो गया। नंबर थर्ड क्या होता है बच्चों? टी मानना होता है, प्रतिस्थापन। तो आप इसको टी मानो, इसका अवकलन ऊपर मौजूद है, ये dx बराबर dt बन जाएगा। तो बच्चे लोग करना क्या है, हम बोलेंगे x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या रखने पर, टी रखने पर, पुटिंग x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी, है ना बच्चों, पुटिंग x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टी। तो आप क्या करेंगे बच्चों, जब भी टी पुट करना है तो हम लिखते हैं दोनों पक्षों का, है ना, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो बच्चों आपको ज़्यादा दिमाग लगानी ही नहीं है, अगर आपने सही से प्रोसेस को फॉलो किया है तो इसको जब आप t मानोगे तो इसका अवकलन ऊपर है, है ना, x का अवकलन 1 और 1 अपॉन x का अवकलन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर। x है तो क्या करेंगे, dx करेंगे, t है तो dt करेंगे। फिर पुट करना है बच्चों, तो बोलेंगे सिंस i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, सॉरी लास्ट वाला आई लेते हैं बच्चों, चाहो तो आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया करो ताकि डाउट ना हो। ये क्या है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है बच्चों, उसके बाद है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और माइनस का 2 विथ डी एक्स। अब बच्चों हमें प्रतिस्थापन करना है, लिमिट चेंज नहीं करी हमने, तो पहले तो लिमिट चेंज करें, उसके बाद ही जो करना है तो करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिमिट चेंज करते हैं, अब बोलेंगे हम बोलेंगे जब x इज इक्वल टू 1, जब x इज इक्वल टू 1 तो बोलेंगे सिंस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू टी है प्यारे बच्चों, तो t इज इक्वल टू x के स्थान पे क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 मतलब t क्या मिल गया, 2 मिल गया। फिर बोलेंगे प्यारे बच्चों जब x इज इक्वल टू टी, जब x इज इक्वल टू टी तो प्यारे प्यारे बच्चों बोलेंगे सिंस x प्लस 1 अपॉन x इज इक्वल टू टी, तो t इज इक्वल टू इस बार x के स्थान पे 2 और प्लस बच्चों 1 अपॉन x के स्थान पे 2, तो इस बार 2 में आप आधा जोड़ोगे तो 2.5 होगा और 2.5 को हम 5/2 मतलब 5 का आधा लिखते हैं। तो इस तरीके से हमने प्रतिस्थापन किया, है ना, प्रोसेस कर ली और लिमिट भी चेंज कर ली। अब वैल्यू पुट करेंगे तो हम बोलेंगे सिंस हमारे पास है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 अपॉन x का होल स्क्वायर और माइनस 2 है बच्चों dx के साथ, तो इतना dx बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा dt।
तो इसको हमें टच नहीं करना है बच्चों। फिर I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से 2, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा बच्चों, इसे t माना है जो टी स्क्वायर हो गया और ये माइनस 2 हो गया प्यारे बच्चों। तो अब ये हो गया फार्मूला हमारे स्पेशल इंटीग्रेशन के फार्मूले। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्पेशल इंटीग्रेशन जो है बहुत मोस्ट फार्मूला है, वो बहुत जगह यूज होना है बच्चों। लोग लिमिट मैंने मिटा दी है और लिमिट